साहबानों के जो दोषारोपी थे वो मुक्त क्यों कर दिए? वो तो कोर्ट का फैसला है ना, कोर्ट करेगी। हाँ, उसका क्या? क्या नाम है आपका? प्रमोद शर्मा। प्रमोद शर्मा जी कहाँ के रहने वाले? यहीं भरूच के। भरूच के, तो वो कोर्ट का फैसला। हाँ बिल्कुल। और आज 27 साल से गुजरात में जो बीजेपी आ रही है उसका मतलब क्या है? आप एक बात सोचिए कि लगातार 27 साल से आ रही है। सुनो, एनालिसिस करने दो जी। हाँ जी, 27 साल से तो चेंज भी होना चाहिए ना। है बराबर है। 27 साल तक पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु जी भी आए थे और बाद में ममता बनर्जी ने उखाड़ दिया। बराबर, लेकिन यहाँ नहीं उखड़ेगा। क्यों नहीं उखड़ेगा? अरे मैं यही आदमी ढूंढ रहा था। मुझे ना 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 आरटीआई एक्टिविस्ट खड़े रहिए। तुरंत तुरंत पेट में दर्द होता है। अरे कोई आगे आने से कोई चुनाव में थोड़ी ना जीत जाता है। मैं को सवाल का जवाब लेने दो। यही सवाल ढूंढ रहा था भरूच में। अब ऐसा करता हूं, आज ही अपनी गाड़ी उठाऊंगा और सीधे दिल्ली चला जाऊंगा, क्योंकि जवाब आप दे रहे हैं। यही सवाल जानने आया था जी। बताइए कि बंगाल में हो सकता है ममता दोबारा आ सक ममता आ सकती हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? 100% यहाँ नहीं हो सकता। हाँ। क्योंकि जो मोदी जी ने आज तो ऐसा काम किया है गुजरात में, पूरी गुजरात में। थोड़ा बाइक दो टका। अच्छा जी। हाँ देखो, विकास विकास सारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सारे ये एक्ट 47 से। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, भरूच में ही थे। लेकिन अरे भाई सुनो ना, आप बात सुनते नहीं हो, बीच में मत बोलो, सुनो आप पहले। हाँ देखो, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। मैं यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो 22 साल के नौजवान होंगे, उनको पूछो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्फ्यू, इस किसी को मालूम नहीं है सर। ये होता है, ये होता है शासन, ये होता है सुशासन, और ये मोदी ने किया है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की लोग बात करते हैं ना, विकास विकास क्या होता है? नो, मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा फट से जी। विकास क्या होता है? पहले कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे विकास नहीं था। आज आज ब्रिज बना है, वहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। हाँ ब्रिज बना है भाई, सुनो ना आप सुनो, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। हाँ तो विकास सब जगह है, देखो रोजगार भी है, रोजगार आज गुजरात में, देखो गुजरात में पूरे इंडिया से लोग आते हैं, हर स्टेट से आते हैं लोग, यहाँ रोजगार मिलेगा। एक बंदे ने भी बोला था, मैं आया जी। वाह वाह जी जी जी। जनाब क्या नाम है आपका? निकुंज। निकुंज, बहुत देर से देख रहा था, ऑफिस से आ रहे हैं आप? यस जी। निकुंज जी क्या काम करते हैं आप? हाँ मैं ड्यूटी करता हूँ ऑफिस में। ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, वहाँ से आ रहे हैं, रहने वाले यहीं के हैं? भरूच के? यस भरूच के रहने वाले। यहीं पैदा हुए? यस। अच्छा बहुत अच्छी बात है जी। तो बढ़िया है सब? यस, अच्छा है। बहुत क्या उम्र है आपकी? 33। 33 साल। तो जो जवाब वो दे रहे थे, भाई बाबू जी मैं वहाँ जाएंगे, आप जाएंगे, जो जवाब दे रहे थे कि 27 सालों में, तो जब वो 27 अगर 33 से 27 करें तो 3 इधर मौलाना और 3 उधर, 6 हो गए, 6 साल के रहे होंगे जब मोदी जी यहाँ सरकार में आए जी। तो आप बोलिए। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जनता को डिसाइड करना, मैं एग्जांपल 3 दूंगा। जैसे कि कांग्रेस के टॉप है राहुल गांधी, बीजेपी के है मोदी, आम आदमी पार्टी का है केजरीवाल, एक भाई साहब है जो आलू डाल के सोना निकालेगा, तीसरे वाले भाई साहब है आम आदमी के पार्टी वाले हैं जो कुछ भी होता है सब केंद्र सरकार पे डाल देता है, केंद्र सरकार ये नहीं देती, केंद्र सरकार बजट नहीं देती, पैसा नहीं देती, कुछ भी है, जो भी हो सारा जाता है मोदी के तरफ, के मोदी ऐसा करता है। और बीच में आता है मोदी जी, 2 दिन पहले की बात है, G22 सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में, आपने वहां पे वीडियो देखा होगा, जो अमेरिका के पीछे सब लोग भागते, आज अमेरिका बाकी सारे देश अपने पीछे भाग रहे हैं। अपना लीडर ऐसा होना चाहिए जिसको देश सलाम करे। और क्या नाम है आपका? प्रजापति प्रतीक्षा। प्रजापति प्रतीक्षा। प्रतीक्षा कितना अच्छा नाम है आपका जी। क्या करती हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं? सारे गवर्नमेंट जॉब की या कोई स्पेसिफिक कोई विषय? सारे। देखिए भाई पूछने दीजिए जी। तो सवाल है कोई दिमाग में? नहीं कोई नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। ना 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 ना, कांग्रेस बता रहे पेपर ले। आपके समय में तो ऐसा था जैसे कि दूध की नदियां बह रही थी। एक साल में 27 पेपर जीते हैं, इनसे तो बेहतर था, इनसे तो बेहतर था। देखिए हाँ जी क्या हुआ? घर बैठ के पेपर लिखते थे कांग्रेस के राज में, ऐसा होता था कांग्रेस नहीं, ऐसा नहीं,
नहीं देखो ये सवाल मैं ही पूछ सकता हूँ, इनसे कह सकता हूँ। अब हुआ क्या कि हाँ वही हुआ, वो बेचारी पूछना चाह रही तो फिर अंदर चली गई। इकोनॉमी में श्रीलंका की जो परिस्थिति है उससे डेंजर परिस्थिति पूरे भारत देश में है। ये मोहगवारी, बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी, 80% लोग भूखमरी से मर रहे हैं। 160वें क्रम में भारत देश का अभी नंबर आया है और श्रीलंका जैसी परिस्थिति यहाँ भारत में है। हमीशा जी नमस्ते, बड़ा मैं पीछे से देख रहा था, आपने धीरे से हाथ उठाया कि मेरा मन हो, जब वो बोल रहे थे तो आपका मन हुआ कि मैं भी कुछ बोलूं। बोलिए सर। ऐसा है ना कि वो बोलते हैं ना कि श्रीलंका की अभी हालत कैसी थी, मगर अभी इंडिया में कैसी हालत है वो उनको नहीं पता चलती। वो तो कह रहे हैं उससे भी ज्यादा खराब है। नहीं नहीं ऐसा होगा ही नहीं, जब मोदी जी है तो ऐसा होगा ही नहीं, नथिंग। जब मोदी जी है तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा ऐसा क्यों है अमीषा जी? ऐसा है ना सर कि वो सबका सोचते हैं, सबका सोचते हैं मोदी जी। हाँ मोदी जी सबका सोच। नहीं उन लोगों के दिमाग में क्या है, मोदी जी है इसलिए मुस्लिम का कुछ होता नहीं है, मगर जो कांग्रेस है ना वो उनको बहकाती है कि नहीं ये मोदी जी हिंदू के। कांग्रेस जो है बहकाती है और आपके दिमाग में ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। नहीं हम लोग समझते हैं सर, उनको भी सच्चा सब कुछ मिलता है, हमें जो मिलता है वो उनको भी मिलता है, मगर वो बताते नहीं है, बताते नहीं। सबसे बीजेपी का मैं आ रहा हूँ, सक्रिय मेंबर हूँ मैं, अभी बीजेपी का कार्यकर्ता। अरे मौलाना आई लव यू, इतनी देर बाद निकला, मैं तभी कह रहा था कुछ है खेल जरूर, भरूच में आके कुछ खेल जरूर है। मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा था कि क्या है क्या है क्या है, अरे अब खुला कि मैं भी बीजेपी का हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेंबर है बीजेपी के? मैं 2011 से दुष्यंत भाई पटेल जो एमएलए थे उनका काम मैंने हमने देखा है और मैं उनके साथ काम किया हूँ। क्या बात है, ले भाई क्या करोगे, जो जीतते हैं वो चले जाते हैं, जो बोल रहे हैं वो चले जाते हैं। अब क्या करें भाई, अब बताओ। अरे चचा क्या करें बताओ, जो जीत अपने वालों को भी साथ सकते हैं वो। देखो ये लोकतांत्रिक देश है जिसकी जैसी सोच है, जो चाहता है वो पार्टी की आइडियोलॉजी पे विश्वास करता है, मगर उन्होंने जो बोला कि आज देश की परिस्थिति कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, भ्रष्टाचार में एशिया में नंबर वन हो गए, कुपोषण में हम सबसे नीचे पायदान पर जा रहे हैं, हम बेरोजगारी में 45 साल का रिकॉर्ड हम तोड़ रहे हैं। ये सब मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये जो रिसर्च संस्थाएं करती हैं उनके आंकड़े हैं। तो ये जो मदारी का खेल कौन खेल रहा है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कौन लोगों को उल्लू बना रहा है, ये जनता को जानना है। हकीकत में हम कहां जा रहे हैं जी? भाई साहब ने बोला कि श्रीलंका जैसी हालत हो गए, अभी इंडिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है और हमने इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ के नंबर 4 पे आ गए हैं और जो भी जीडीपी बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहा है, हमारा इतना डेवलपमेंट हो रहा है और अपनी सिस्टम ऐसी है कि पूरी डेवलपमेंट हमारी बेसिक है, ऐसा श्रीलंका है जैसा होता हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी बहुत दूर का सोचते हैं और उसका प्लानिंग है।